please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुद्दा गर्म है और देश ये पूछ रहा है कि इंतकाम कब। पाकिस्तान की कायराना हरकत से देश गुस्से में है और सीमा पार से फायरिंग में देश के 4 वीर शहीद हो गए। अपने जवानों की शहादत से गम तो है लेकिन साथ ही साथ लोगों में नाराजगी भी है। नाराजगी पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। पड़ोसी देश की तरफ से कायरों की तरह सीमा पार से गोलियां दागी गई। शहीदों के परिवारों के साथ साथ देश भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। और महज 23 साल की उम्र में शहीद हो गए कैप्टन कपिल कुंडू की मां तो 4 सर के बदले 24 सर लाने की मांग कर रही है। 5 तस्वीरें, मां मांग रही है 4 के बदले 24 सर। हालांकि सेना प्रमुख सीधे तौर पर कह चुके हैं कि मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। आंखें नम है लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ है। जो भी देश की तरफ सर उठाकर देखेगा, आंख उठाकर देखेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और यही कुछ उस कविता में भी था जो कि कपिल कुंडू की आखिरी कविता थी। पाकिस्तान का जवाब तो जवान देंगे देंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करिए फिर कर देंगे, फिर लेंगे बदला, छोड़ेंगे तो नहीं। ये तो हमें भी पता है, ये तो पता है उन्होंने 4 मारे हैं तो 24 मार के आएंगे। ये तो मुझे अपने बच्चों पे गर्व है, गर्व है कि हमारे भाई देश की रक्षा करते करते शहीद हुए। छोटे छोटे बच्चों को अपने को छोड़ के चले गए हैं। बच्चों माँ बाप एक बच्चों के लिए एक बहुत सहारा है और उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। हम सरकार से चाहते हैं जहाँ तो बात करें और जहाँ युद्ध करें। बड़े बड़े भाई थे मेरे जिसे नाम बत्ती थे और शहीद मतलब लड़ लड़ते शहीद हो गए थे और सेना ने कुछ खबर दी थी इसके बारे में, हमें कुछ मालूम था इसलिए इनका आने का कुछ कर रहे हैं। डीफिटी रिप्लाई किया जाए पाकिस्तान पे और जबरदस्त तरीके से प्रहार करके बिल्कुल क्लियर कर दी जाए, बॉर्डर के लोगों की चिंता खत्म कर दी जाए और एक सच्ची श्रद्धांजलि जो शुभम को यही होगी। हालांकि सेना की माने तो भारत ने 2 दिन में पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया और सेना के मुताबिक पिछले 2 दिन में भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 सैनिक ढेर किए हैं और पाकिस्तान ने भी इस चीज को माना है। पाकिस्तान का भरपूर जवाब दिया है और लगभग उनके 15 से ऊपर कैजुअल्टी कंफर्म किए हैं। यह इलाका बहुत वीर जवानों का है और इस इलाके से हर पैदा होने वाला बच्चा आने वाले टाइम में भी भारत माँ की रक्षा के लिए बेशक अपनी जान ही दे दे लेकिन पीछे कभी नहीं हटेगा। सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है, जवाब दे रही है। सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। सैफुद्दीन साहब, क्या ये कार्रवाई काफी है? सुनिए, पहली बात है कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस पे हूँ लेकिन अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी के जो तर्जमान है, स्पोक्समैन है, वो बात करेंगे लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि आप जिन जवानों जो जिनकी जान चली गई, जो शहीद हो गए, उनको जो आप श्रद्धांजलि देते हैं वो आप बहुत सही कह रहे हैं। खून जिसका भी बहेगा गलत बात है, हमारे दिल में उसके लिए तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अभी किसी सज्जन ने कहा इसी डिस्कशन में कि हमको ये सोचना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान जिद करेंगे या बात करेंगे। ये जो बॉर्डर पे हो रहा है ये खत्म हो जाएगा जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करेंगे। जिद्दबाजी से कुछ नहीं होगा, गोलियों से कुछ नहीं होगा। यानी आप भी बातचीत की वकालत कर रहे हैं? बातचीत की वकालत करता हूँ। यहाँ बॉर्डर पे भी खत्म हो जाएगा, पर माहौल जिस तरीके का माहौल है उसमें क्या बातचीत मुमकिन है? मुमकिन है। आप ये कहेंगे कि आखिरी गोली बंद हो जाए तो आखिरी गोली बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। गोलियां चलती रहेंगी लेकिन बातचीत जारी कीजिए। और दुनिया में यही तारीख है, इतिहास है कि स्पीकर वोटशिप। सो साहब, आपकी भी सरकारें रही हैं, उस वक्त बातचीत भी होती रही लेकिन सरहद पर गोली भी चली, लेकिन जो माहौल बनाया गया और जिस वक्त ये जो माहौल चल रहा है ऐसे में बातचीत का जरिया कितना सही लग रहा है आपको? मुझे सही लगता है बातचीत का दरवाजा कश्मीर में भी खोलिए, पाकिस्तान के साथ भी खोलिए।
ब्लैक चैनल पर हो रहा है, आप उल्टा कीजिए, कश्मीर में ऐसे ही चलेगा। वजीर आजम मोदी का एमिसरी हुर्रियत से बात करे, उसके बाद मेन स्ट्रीम से बात करे, रास्ता खुल जाएगा। जी जी, हमारे साथ रहिए सैफुद्दीन सोर साहब। इस वक्त सुदेश वर्मा जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, सैफुद्दीन सोर साहब ये कह रहे हैं कि सेना कार्रवाई कर रही है लेकिन बातचीत इकलौता रास्ता है। देखिए, भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वो टेररिज्म पर लगाम नहीं लगाता है। तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो बातचीत चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉर्डर पर लड़ते भी रहें और टेररिस्टों को भेजते भी रहें, हमारे जवानों को मारते भी रहे और बातचीत भी हो। और जहाँ तक जवानों को बात, जवान हमारे शहादत होती है जो हमें और कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। पाकिस्तान इस गलतफहमी में न रहे, ये भारत सरकार के जो प्रयास है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान तिलमिला चुका है और मिसाइल से फायर करके अगर वो सीज फायर वायलेशन करता है तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास ताकत नहीं है। हमारी सेना बहुत सक्षम है और सेना को खुली आज़ादी है, वो जिस तरह चाहें रिटेलिएट कर सकते हैं। तो इस पर कोई राजनीति करने का प्रयास न करें। बातचीत का जो तरीका है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस खुलेगा तभी जब आप टेररिज्म पर लगाम लगाएंगे। जो डिप्लोमेटिक चैनल कम हुआ, क्या उस स्ट्रेटजी में किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है इंटरनेशनल लेवल में। आपने देखा कि अमेरिका ने यूं ही नहीं अपना स्टैंड बदल दिया है और आपको पता है किस तरह से आतंकवादियों को जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं हमारी सेना मार रही है। यही तिलमिलाहट में उन्होंने जो सेलिंग जो है तेज की है पाकिस्तान ने, और इसका माकूल जवाब सेना देगी जब भी उन्हें ठीक लगेगा। जी जी, ये हमें तो मजबूत करना चाहिए। ऐसी शहादत से कोई भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया सुदेश जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी की तरफ से सुदेश वर्मा जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सेना माकूल जवाब दे रही है और यही बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही, यही बात सेना प्रमुख ने भी कही कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज़फ़ायर वायलेशन हो रहा है, सेना सीमा पर माकूल जवाब दे रही है पाकिस्तान को। और एक तरफ पाकिस्तान हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अभी भी पाकिस्तान से बातचीत का राग अलाप रहे हैं। दोनों तरफ से मर रहे हैं, वो भी गोला मार रहे हैं, हम भी गोला मार रहे हैं, वो 10 मार रहे हैं, हम 20 मार रहे हैं। इनसे हल नहीं होगा, गोले मारने से हल नहीं होगा। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घर उड़ रहे हैं और ये रोज हो रहा है। रास्ता ये नहीं है, रास्ता है अगर है कोई तो बातचीत का रास्ता है, उसी से ये देश भी बच सकता है, वो देश भी बच सकता है, उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। और शहादत पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस जवानों की शहादत पर मोदी सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस के मुताबिक मोदी सरकार में सिर्फ भाषण दिया जा रहा है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली जेडीयू का कहना है कि गृह मंत्री के बयान पर भरोसा होना चाहिए कि सेना सक्षम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो नहीं, क्या ट्रम्प के लव लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब ऑर्डर देंगे तो आप पाकिस्तान के लिए कोई रणनीति तय करेंगे? जो बीजेपी की सत्ता इन 4 सालों में जिस तरह से इंटरनेशनल कूटनीति में और पाकिस्तान के मामले में फेलियर रही है, आज तक ऐसी कभी भी सरकार नहीं आई। जितने सीमा सुरक्षा पे हमारे जवान इन 4 सालों में शहीद हुए हैं, आज़ादी के बाद आज तक इतने हमारे फौजी शहीद नहीं हुए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने का 56 का सीना है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे, भारतीय सेना विश्व के किसी भी सशक्त देश के सेना से कम नहीं, अच्छी सेना है और इसी कारण से हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किए और हमेशा दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ऐसे में माननीय गृह मंत्री जी ने देशवासियों को जो कहा है कि भारतीय सैनिक पे भरोसा करें, वो भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा, तो हमें लगता है कि एकदम ये सही बात है। सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है लेकिन सियासत उस पर लगातार हो रही है। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि इस पर सरकार को सीधे सीधे जवाब देना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करना चाहिए, बातचीत के जरिए आगे इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने भी बात कही है। बहरहाल, आपको ये बताया कि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में अभी तक सीज फायर वायोलेशन के सबसे ज्यादा मामले 860 मामले सामने आए हैं एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 120 मामले
सीजफायर वायोलेशन के सामने आए हैं और इसी में 15 जवान मारे गए और 4 बीएसएफ के और 12 सिविलियंस भी इसमें मारे गए थे और ये आंकड़े हैं 2017 के। और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बीच ही सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी देखी जा रही है और दक्षिण कश्मीर में 2 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। जैश के ये 2 आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। 2 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है, जैश के दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में जैश के दोनों आतंकी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की तस्वीर आ रही है और दक्षिण कश्मीर के ये 2 आतंकी हैं जिनकी तस्वीर सामने आई है। और कुछ देर पहले हमने 5 और आतंकियों की तस्वीर दिखाई थी, वो बर्फ की पहाड़ियों पर वो तस्वीर सामने आई थी और ये 2 और आतंकियों की तस्वीर। तो जैश के ये दोनों आतंकी हैं और पाकिस्तानी ये बताए जा रहे हैं और इनकी तस्वीर अब सामने आई है। दोनों आतंकी जैश के और सीज फायर वॉयलेशन लगातार जारी, घुसपैठ लगातार जारी है और साथ ही साथ अब से कुछ क्षण पहले हमने 5 आतंकियों की तस्वीर भी दिखाई थी, वो भी जैश के ही आतंकी थे लेकिन वो बर्फ की पहाड़ियों से घुसपैठ कर रहे थे और अब ये 2 और आतंकियों की तस्वीर। रिफत इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, 5 आतंकियों की तस्वीर दिखाई फिर उसके बाद ये 2 और आतंकियों की तस्वीर आई है, ये कहां से है? देखिए ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये सोशल नेटवर्क साइट्स पे चल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर में कहीं पे हो सकते हैं। जैश के ये मिलिटेंट हैं, उनमें से एक कमांडर भी बताया जा रहा है और जैसा कि पहले भी एक फोटोग्राफ जारी हुआ था वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं पे बर्फांच पहाड़ जो है उसके ऊपर थे वो फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं, यानी कि वो ग्रुप भी यहाँ पे आया होगा और उसके बाद ही ये फोटोग्राफ जो है सर्कुलेट हुए होंगे क्योंकि LOC के आगे जब पहुँचेंगे वहाँ तो ना ही नेटवर्क की कनेक्टिविटी है इंटरनेट की ताकि वो कोई व्हाट्सएप से या फेसबुक से अपलोड कर सकें, तो उसके बाद जब वो उस एरिया में पहुंचे होंगे जहां पे कोई कनेक्टिविटी मिली होगी उसके बाद ही वो उन्होंने सर्कुलेट किए होंगे। और फोटो सर्कुलेट करने का ये भी मकसद है या खींचने का भी ये भी मकसद है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, गन के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार ये कहा है कि काफ़ी सारे एनकाउंटर्स किए गए और मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई, लेकिन उस बीच भी अगर उस पार से भी मिलिटेंट आते हैं और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है तो मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि वीडियोज या फोटोग्राफ सर्कुलेट किए जाते हैं। एक प्रोवोकेशन भी है और अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश भी है। बिल्कुल, तो मुद्दा गर्म है, सिर्फ ये 2 ही आतंकी नहीं है जिनकी तस्वीर सामने आई है बल्कि दक्षिण कश्मीर की तरह LOC पर हाथों में हथियार लिए 5 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई। LOC पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर आतंकी हाथों में हथियार लेकर खड़े हैं और ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के फिदायीन दस्ते के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये आतंकी भारतीय सीमा में मौजूद है। रिफत बता ही रहे थे कि किस तरीके से इन आतंकियों ने वहां पर तस्वीर ली और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में तस्वीर ली गई है वहां पर नेटवर्क नहीं आता है और भारतीय सीमा में घुसने के बाद ही ये तस्वीर सामने आई है, तस्वीर जारी की गई है। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश यहाँ पर होती है, इस तरह की तस्वीरें जारी करने का मकसद यही रहता है।